ये कराची से आते हैं, ये फ्रांस वाला, लंदन वाला, अमेरिका वाला, वे हम कराची से लेते हैं। इमरान खान की तरफ से तो फ़र्क ही फ़र्क है, उसकी वजह से फ़र्क है। ये सारी महंगाई उसकी वजह से ही हुई है, वरना लंडा इतना कभी महंगा नहीं हुआ था। बाद में ब्रांड्स का टैग लगा के खुद सेल करते हैं, मुझे पता। मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, जो मेहनत उसके लिए महंगाई नहीं है, लेकिन जो लोग वेले फिरते घूमते हैं ना, उसके लिए बेशक महंगाई है। वजह से आप खुद इजाफा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ज्यादा जरूरत से खुद नहीं कर रहे हैं, ये पीछे से भी हो रहा है। बाकी कोई महंगाई इसमें नहीं है। अच्छा है, अब भी जो है ना 300 का पहला भी दे रहा था और अब भी दे रहा है। हमने कोई भी महंगाई इसमें नहीं किया। मतलब जो आज से 5 साल 3 साल पहले इसकी कीमत थी, वही आज भी वही कीमत है? वही आज भी वही कीमत है, हमारा इसमें कोई जो है ना नहीं है। शॉपिंग है, जैकेट्स हैं, वो 3-3, 4-4 हज़ार मांग रहे हैं, जो आम 500-600 में मिल जाया करती थी। अस्सलामुअलैकुम रेजिडेंट उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर लंडा बाज़ार पर। यहाँ हम आवाम से बात करेंगे कि कितनी महंगाई में जो है कितना फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर लोग इसलिए रुख करते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें उन्हें कम कीमत पर मिल जाया करती थी, लेकिन अब जो है महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों ने यहाँ भी रुख जो है कम कर दिया है। तो आज हम आवाम से पूछेंगे कि उन्हें जो अशिया है उनकी ज़रूरत की, वो कम कीमत पर मिल रही है या जो है कीमत ज़्यादा हो गई है पहले की नस्बत। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शॉपिंग हुई कि नहीं? शॉपिंग हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। पहले की नस्बत फ़र्क महसूस हुआ आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। तब्दीली कैसे लगी आपको? तब्दीली अभी तक नज़र तो कुछ भी नहीं आई। तब्दीली अभी तक तो दिन ब दिन चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं, हमारी तो बिल्कुल ही रीत से जो है ना। लोग पहले लंडे का रुख इस वजह से करते थे क्योंकि यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल जाया करती थी और अच्छी चीज़ें मिलती थी, तो अब आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी क्या कहना है, अभी तो जो चीज़ पहले आपकी रीच में थी अब तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही है ना। अब तो वो भी आपके उसमें नहीं है कि आप लंडे से भी कोई चीज़ ले सकें। फिर आप देख लें, आप फोन से दूर हो गई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी पहुंच से दूर हुई है या आपकी पहुंच के करीब आ गई है? जी मेरी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। दूर हो गई जी, बिल्कुल पहुंच से तो दूर है, हर बंदे की पहुंच से दूर है। यहाँ कीमतें कैसी हैं? अगर आप बाहर ब्रांड्स की निस्बत यहाँ देखें तो कैसा लगा? कुछ चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि पिछले सालों की निस्बत जब से इमरान खान आए हैं यहाँ महंगाई ज़्यादा हुई है कि नहीं? जी महंगाई तो वाकई ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, काफ़ी ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुनील मसीह नाम है मेरा। मिस तो ये जो माल यहाँ पर लगा हुआ है ये आप कहाँ से लेकर आते हैं? मिस ये फ़िलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और आउट ऑफ कंट्री दूसरे भी ममालिक हैं जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये। जी तो कितना अरसा हो गया है, मतलब पहले लोग जो है इस लंडे का रुख इस वजह से करते थे, यहाँ पर जो है सस्ती चीज़ें मिलती थी उन्हें बाहर ब्रांड्स की नस्बत, लेकिन अब यहाँ भी कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लोग यहाँ रुख नहीं करे, इसकी वजह क्या है? आप खुद इजाफा करें या पीछे से इजाफा हो रहा है? इजाफा पीछे से ही हो रहा है, जैसे कि मीन्स के बेसिकली हमें दुकान का रेंट वगैरह भी पे करना होता है, इसी तरह काफ़ी मीन्स के आ जाती हैं प्रॉब्लम। वजह से आप खुद इजाफा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ज्यादा जरूरत नहीं, से खुद नहीं कर रहे हैं, ये पीछे से भी हो रहा है। ठीक है, जारी बात है, जैसा वो कह रहे तब्दीली आई है, तब्दीली आ रही है, फिर इधर भी तो तब्दीली आएगी ना। ये तब्दीली आपको कैसी लगी? ये इंतहाई खतरनाक तब्दीली है, गरीबों के लिए तो ये समझने के काफी बन गया है कि जो मजदूर है बंदा वो क्या करे। ठीक है, तो इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जो ऐसा बंदा है उसके साथ कंप्रोमाइज किया जाए। पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स भी है जो चीज़ें जो हैं यहीं से ख़रीदते हैं और बाद में टैग लगा लेते हैं अपने नाम का, तो यहाँ ब्रांड्स के लोग आते हैं? जी जी बिल्कुल आते हैं लेके जाते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं बाद में ब्रांड्स का टैग लगा के खुद सेल करते हैं, मुझे पता। ऐसा कोई ब्रांड है यहाँ पे? कौन से ज़्यादा ब्रांड आपके पास आते हैं? ब्रांड्स काफ़ी है, हर किस्म का ब्रांड आता है, वो ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उस्मान। यहाँ कितना अर्सा हो गया करते हुए काम? 5 साल हो गया। तो ये माल कहाँ से आप लेते हैं, ये कहाँ से आता है, किस किस ब्रांड का माल है आपके पास? ये कराची से आते हैं, ये फ्रांस वाला, लंदन वाला, अमेरिका वाला, वे हम कराची से लेते हैं। कराची से लेते हैं? ये गंदाते हैं, फिर हम वॉश करते हैं, फिर इसका सिलाई करते हैं, फिर इधर बेचते हैं। तो
जिस तरह पहले महंगाई की सूरत हाल थी, लोग यहाँ पर शॉपिंग इसलिए करने आते थे, गरीब हो या अमीर, कि उन्हें यहाँ सस्ते मिल जाते थे ब्रांड की चीज़ें, तो अब इस पे कितना फर्क आया महंगाई की वजह से या इमरान खान की वजह से, जब से इमरान खान की हुकूमत आई? इमरान खान ने महंगाई में बहुत फर्क आया इधर। कितना फर्क आया? बहुत फर्क आया नवाज शरीफ की हुकूमत में। आप बताएं। फर्क तो फिलहाल कोई भी नहीं आया। उतनी ही इसकी कीमत है जितनी पहले हुआ करती थी? जी जी। तो आप क्या खरीदने आए? हम शूज खरीदने आए। खरीद लिए हैं? नहीं अभी तक तो कोई नहीं खरीदा, अभी आए हैं। अभी आए हैं? अभी आए हैं जी। तो खरीदे, कीमतें कैसी है, ज्यादा है या कम? ज्यादा लग रही है फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। तो यहाँ कितनी शॉपिंग हो गई है? कभी शॉपिंग थोड़ी सी की है, बिल्कुल चीज़ों के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से अभी पूरी शॉपिंग नहीं हो पा रही, घूम रहे हैं अभी। तो क्या ये बात सच है, क्योंकि लोग लंडे का रुख इस वजह से करते थे क्योंकि यहाँ पर कीमतें ब्रांड्स की निस्बत कम हुआ करती थी, तो अब फ़र्क आया इमरान खान की वजह से या जो महंगाई चल रही है उस वजह से फ़र्क आया? इमरान खान की तरफ से तो फ़र्क ही फ़र्क है, उसकी वजह से फ़र्क है, ये सारी महंगाई उसकी वजह से ही हुई है, वरना लंडा इतना कभी महंगा नहीं हुआ था। इस चीज़ का आपको भी पता है कि जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, जो दिहाड़ीदार आदमी है ना, वो लंडे से गुजारा करता था, तो अब जो कीमतें हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है ना हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ शॉपिंग है, जैकेट्स हैं वो तीन चार चार हज़ार मांग रहे हैं, जो आम 500-600 में मिल जाया करती थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह खान। तो यहाँ आपकी ये शूज़ की शॉप है? हाँ यहाँ शूज़ की शॉप है। ये माल कहाँ से आता है? ये आता है कराची बनारस से। तो कराची में कहाँ से आता है? कराची से जो है ना बाहर मुल्क से, ये किया था अयूब खान ने मुआहिदा किया था उस दौर में बाहर मुल्कों से। अच्छा। तो अभी इसका मुआहिदा जो है ना 2024 में पूरा हो रहा है, और हमारा जो है ना इसका मुआहिदा किया था, इसका किया था कि ये लंडा जो है ना पाकिस्तान को देना, तो अभी ये किसी और मुल्क नहीं जाता है, सिर्फ पाकिस्तान आता है, तो हमारा जो है ना लंदन से, कहाँ से? ये हर मुल्क इसमें आता है, इंडिया वाला भी आता है, ये ज्यादा इसमें जो है ना इंग्लैंड वाला, चाइना वाला, हर मुल्क का इसमें आता है। फिर तो आप ये माल तोल के लेते हैं किलो के हिसाब से या एक एक जोड़ी के? नहीं नहीं नहीं, ये लाट चुकते हैं वहाँ से, जैसे इधर लोग आते हैं ना सारे का बात कर लेते हैं, इस तरह लाट वहाँ से चुक के लेकर आते हैं, लाट के हिसाब से लेकर आते हैं, तोल के हिसाब से नहीं आता है। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है, लोग यहाँ पर आते थे कि सस्ती चीज़ें यहाँ पर खरीदने आते थे, लेकिन अब यहाँ भी कीमतों को जो है पर लग गए हैं, आसमान को छू रही हैं, तो ये आप खुद साख्ता कीमतें बढ़ाते हैं या पीछे से कीमतें इजाफा हुआ? हमारा कीमतों में तो कोई भी इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहला भी इतना का बेचना था और अब भी बेच रहे हैं, और लोग जो है ना वैसे जो है ना इनके अपने अमले है, बाकी कोई महंगाई इसमें नहीं है। अच्छा है, अब भी जो है ना 300 का पहला भी दे रहा था और अब भी दे रहे हैं, हमने कोई भी महंगाई इसमें नहीं किया। मतलब जो आज से 5-3 साल पहले इसकी कीमत थी वही, आज भी वही कीमत है? वही आज भी वही कीमत है, हमारा इसमें कोई जो है ना नहीं है, क्योंकि हमने आगे खुदा को भी जवाब देना है, ये तो नहीं है कि सिर्फ इधर लोगों को बेचना है। यहाँ लोगों से मैंने पूछा है, वो कह रहे कि इसकी कीमत इनकी तो बढ़ गई है, पहले की निस्बत कम नहीं है। बात ये है कि पहले हम जो चीज़ थोड़ा कमज़ोर लेकर आते थे, अब चीज़ थोड़ा अच्छा लेकर आते हैं, उसमें हमने कीमत बढ़ाई, इसमें तो नहीं बढ़ाया कि ये चीज़ पहले 10 का बेचा था 20 का, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के साथ इसका कोई रेट तो नहीं है, हम लेकर आते हैं और हम ही बेचते हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खरीदते हैं यहाँ शॉपिंग करने? शॉपिंग करने, शूज़ देखने हैं, जैकेट देखने हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो फिलहाल जैकेट अभी एक ली है, अच्छी ली है, और शूज़ अभी देख रहे हैं, पसंद आएंगे। अगर वही जैकेट आप बाहर ब्रांड से लेते और इसकी निस्बत कोई फ़र्क है या यहाँ से भी, यहाँ भी महंगाई हो गई हुई है? इधर है महंगाई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है फ़र्क है, इधर भी कुछ डिफरेंट है, लेकिन ठीक है अभी। तो पहले की निस्बत रेट्स में कमी पेशी हुई हुई है? इजाफा हुआ पहले की निस्बत रेट में ज़्यादा। हुकूमत को सूरवा रही है तो अपना काम करें, तो उन्हें पैसे लेने, अपना काम करना है, हुकूमत जिम्मेदार है इस पर। हुकूमत से गुजारिश है कि वो महंगाई कम करे, लोगों की ज़रूरियात पूरी करें वो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजमल खान। तो खान साहब, ये माल आप कहाँ से लेकर आते हैं, ये कहाँ से आता है?
ये हम कराची से लेके आते हैं ना, उधर कंटेनर खोलते हैं, उधर बाहर से आते हैं ना पोर्ट पे, कासम पोर्ट पे आते हैं, उधर से फिर बनारस मार्केट आते हैं, उधर हमारे लोग ये कंटेनर खोलते हैं ना, उधर से हम उसको चांटी करके भी किस किस कंट्री से आते हैं? ये मुख्तलिफ कंट्रियों से आते हैं ना, ये अमेरिका से आते हैं, बरतानिया के साथ मुआहदा है, आइसलैंड के साथ है, पोलैंड है, फ्रांस है, इसके अलावा एक दो मुल्क और अफ्रीकन ममालिक से आपको सस्ता मिलता है, यहाँ पर आप महंगा बेचते हैं ऐसा है? नहीं, पहले ऐसा होता था कि टैक्स वगैरह कम थे ना तो माल सस्ता मिलता था, अब ये है कि टैक्स थोड़ा बढ़ गया है ना, ये मिनी बजट की वजह से और भी टैक्स बढ़ गया तो थोड़ा और बहुत फर्क पड़ा है ना, महंगा हो गया माल। नहीं, बात असल में ये कि इजाफा हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों के काबू से बाहर है, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेड शूज़ है ना, ऐसे शूज़ आते हैं कि बाहर इसका कीमत हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में भी होते हैं ना, 60-70 हज़ार से लेकर ऊपर तक भी इसमें उसका प्राइस होते, इधर लोगों को 400-500 में 1000 तक मैक्सिमम मिलते हैं ना अच्छे अच्छी जूते, तो उस वजह से तो ये कीमत कुछ भी नहीं है ना। और अगर लोगों की बातें देख ले तो लोग ये तो बातें करते हैं ना, लोग तो बातें बनाते हैं खाम खा, लोग कहते हैं कि जब से इमरान खान आया है तब से महंगाई जो है हो गई है, आप क्या समझते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई हो गई है, लेकिन इतना भी इजाफा नहीं हुआ, गरीब के काबू से बाहर नहीं है। मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, जो मेहनत उसके लिए महंगाई नहीं है, लेकिन जो लोग वेले फिरते घूमते हैं ना उसके लिए बेशक महंगाई है। आप पीटीआई के सपोर्टर? नहीं, मैं जो काम जो लोग सही काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, जिस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। आप क्या समझते हैं इमरान खान सही काम कर रहे हैं कि नहीं? इमरान खान अकेला खुद वो जो है ना अच्छा बंदा है, और उसके टीम में है लोग खराब लोग भी बैठे। इमरान खान को सपोर्ट इसलिए करें क्योंकि आपके आप भी खान है? मैंने पहले आपको एक बात बताया ना कि मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ, चाहे इस मुल्क का हो या ना हो, जो इस मुल्क के लिए अच्छा काम करते हैं मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बात वाला क्या है, यहाँ पे मुनासिब इसलिए है ना, यही चीज़ अगर हम ब्रांड में किसी जगह जाके लेते हैं तो वो 25-30 हज़ार की है, यहाँ अगर हमें 1500-2000 की मिलती है तो वो भी मुनासिब ही है। ठीक है, अब ये देखें, ये कोई लोकल चीज़ नहीं है, ये भी ब्रांडेड चीज़ है। ठीक है, तो लोग ये नहीं समझते हैं, लोग यहाँ पे आते वो कहते हैं लंडा ही है। ठीक है, मैं भी एक कस्टमर हूँ, इधर शॉप्स भी हैं हमारी, लेकिन बात बोला कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि लोग ये नहीं कहते ब्रांड है, हल्की चीज़ें भी लगी हुई हैं, ब्रांड की भी लगी हुई हैं, हम तो एक ही रेट में बेचते हैं, लेकिन लोग कुछ होते हैं जो कहते हैं हमें ब्रांडेड चीज़ दो, तो फिर उस हिसाब से उनको भी रेट देते हैं। तो ये काफ़ी लोग मतलब कि इस तरह के लोग भी आते हैं, कहते हैं लंडा है, बाहर 500 की है, अंदर भी 500 की है। भाई फ़र्क होता है चीज़ में, बाहर के लोग और चीज़ लगाते हैं, अंदर चीज़ और लगी होती है। ठीक है, हर चीज़ में क्वालिटी होती है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। ये शॉप आपकी है? जी मेरी है जी। यहाँ पर लोगों का हजूम रश जो है पहले की नस्बत कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? फिलहाल तो कम है, आपको नज़र भी आ रहा है बाज़ार बिल्कुल खाली है। तो ये कोई जैसे पहली चढ़ी है, नया साल चढ़ा है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर लोगों ने मनाया उसके बाद तो लोग बाज़ार में आना छोड़ गए हैं। तो वैसे मौसम की भी चेंजिंग का भी है मामला, तो फिलहाल बाज़ार में स्लो है बहुत। पहले सर्दियां आती थी, लोग जो हैं गरीब तबका या अमीर भी यहाँ पर आते हैं वैसे तो वो लंडे का रुख करते थे क्योंकि यहाँ पर जो सामान मिलता है वो कम कीमत में मिलता है ब्रांड्स के नस्बत। तो अब यहाँ पर कितना फ़र्क आया पहले की नस्बत? पहले की नस्बत माल बहुत अच्छा आ रहा है, जिसकी वजह से रेट भी ज़्यादा ऊपर हुए हैं जरूर थोड़े से, और कुछ मुल्क के हालात भी आपको पता है कि महंगाई भी हुई है, उसकी वजह से भी माल पीछे से कोरोना की वजह से माल जो पीछे से शॉर्ट है, और जो जिनके पास जो पड़ा हुआ है माल वो महंगाई करके बेच रहे हैं। तो ये तो आप कीमतें जो है आप खुद बढ़ा रहे हैं या पीछे से बढ़ रही है? जो माल हमें जिनके पास पड़ा हुआ है ना वो हमें महंगा करके दे रहे हैं, क्योंकि माल पीछे से कम आ रहा है तो जो उनके पास पड़ा हुआ स्टॉक वो हमें महंगा करके दे रहे हैं, और हम अपनी मर्जी की चीज़ें लेते हैं क्योंकि हमारे पास जितना भी लगा हो एक क्लास माल लगा होता है जो छांटी करके हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोट जो है ये आप कितने का दे रहे हैं? कोट हमारे पास 1000 से लेकर 2000 तक है ब्रांड का। की रेंज कितनी होती है? वो खरीद लेते हैं इतने में? खरीद लेते हैं, क्यों नहीं खरीदते हैं, खरीदते तो लाते हैं हम। अब ये यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, ये यहाँ पर कोट खरीदने हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इन्हें इसमें से कौन सा पसंद आया बताएं आप। पसंद तो बहुत चीज़ आती है, वैरायटी माशाल्लाह अच्छी लगी हुई है, लेकिन बात है रेट पे, रेट की। ठीक है, तो रेट कसूर इनका भी नहीं है, दुकानदार का भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। ठीक है, मसला हालात का है, तो उस वजह से देखें जिस तरह महंगाई हुई है उस हिसाब से ये रेट ठीक है।
लेकिन फिर भी हमारे लिए तो ये महंगे ही हुए ना, तो अब मैं और इस बारे में क्या कहूँ। तो नाज़रीन आपने देखा, हमने आपको लोगों के जो है वो राय आप तक पहुँचाई। अवाम यहाँ रुख इस वजह से करते थे क्योंकि यहाँ पर जो है उन्हें कम कीमत पर जो है अच्छी चीज़ें मिल जाया करती थी, लेकिन अब यहाँ भी जो है काफ़ी महंगाई हो चुकी है, लोग जो है यहाँ आने से भी डरते हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।